हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम आपको किशोर कुमार जी का जो है वो बंगला दिखाने वाला हूँ। मेरे पीछे जो देख रहे ये बंगला है किशोर कुमार जी का, नेम प्लेट भी देख सकते हैं। दोस्तों, किशोर कुमार जी भारत के सबसे जाने माने सुपरसिद्ध जो है सिंगर के साथ साथ जो है बहुत कम लोगों को पता होगा कि वह एक अच्छे अभिनेता और डायरेक्टर भी थे। किशोर कुमार जी के जीवन में जो है काफ़ी उतार चढ़ाव आया और उनके लाइफ से जुड़ी कुछ ऐसी बातें हैं जिसके बारे में जानकर आप चौंक जाएंगे। किशोर कुमार जी ने 4 शादियाँ की हुई थी और एक समय ऐसा आया था जब किशोर कुमार को अपना धर्म जो है परिवर्तन करना पड़ा था, हिंदू से उनको जो है इस्लाम धर्म को कबूल करना पड़ा था। तो इनके पीछे की क्या कहानी है ये भी आपको बताऊंगा और उनका घर भी दिखाऊंगा कि इनका घर का क्या प्राइस है, लोकेशन क्या है और इनके घर में अभी कौन कौन रहते हैं। तो जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, ये सांता क्रूज का रोड है और यहाँ पे आप आएंगे, यहाँ से देख सकते हैं आपको लिखा हुआ मिलेगा स्वर्गीय किशोर कुमार गांगुली मार्ग। ये देख सकते हैं यहाँ पर आपको जो है वो मिल जाएगा, बोर्ड लगा हुआ है किशोर कुमार गांगुली मार्ग। और यहाँ से आप जैसे आगे जाएंगे, ये वाला जो बिल्डिंग देख रहे हैं मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा नज़दीक जाके, ये वाला बिल्डिंग है किशोर कुमार जी का पूरा। मैं आपको बताऊँगा कितने फ्लोर है, अभी इनके घर में कौन कौन रहते हैं। तो ये जो है यहाँ से सिर्फ आप देख सकते हैं ये वाला रास्ता है और वो बोर्ड लगा हुआ है। ये जो रोड है इस रोड का नाम है स्वर्गीय किशोर कुमार गांगुली रोड। तो हम आगे चलते हैं, फिर आपको दिखा देते हैं उनका घर। तो फाइनली दोस्तों, मैं आ चुका हूँ किशोर कुमार के घर पे। ये देख सकते हैं ये इनका जो है गेट है, ये वाला जो आप गेट देख रहे हैं ब्राउन कलर का। और सबसे पहले मैं आपको नेम प्लेट दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं किशोर कुमार बंगला गौरीकुंज, उनका जो किशोर कुमार का बंगला है उनका नाम है गौरीकुंज। आप यहाँ पर एक बड़ा सा आपको जो है बोर्ड लगा हुआ मिल जाएगा। और ये जो है इनका गेट है, एक ही गेट है यहाँ पर बड़ा सा। सामने आप देखेंगे छोटा सा जो है गार्डन भी है। और उनके बिल्डिंग के, उनके बंगले के जस्ट बगल में ये वाला बिल्डिंग आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है ये बिल्डिंग है 7 फ्लोर का है। लेकिन इस बिल्डिंग के जस्ट बाद जो है ये वाला जो घर है वो बंगला जो है वो है किशोर कुमार का। और मैं उस रोड से आया था, यहाँ पे देख सकते हैं उस रोड है। आगे आप जाएंगे तो आगे आपको समुद्र मिलेगा, वो किशोर कुमार जी का है, बहुत ही पुराना बंगला है। किशोर कुमार ने उस बंगले को बनवाया था। और यहाँ पर अभी आप देखेंगे तो ये देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही अच्छी कारीगरी की गई है। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ ऐसा पत्थर जो है, बहुत ही प्यारा पत्थर लगाया गया है चारों साइड से दीवार पे। और गेट भी जो है, पहले कुछ और गेट था, पहले पुराना गेट हुआ करता था तो यहाँ लकड़ी का गेट था, लेकिन अभी आप देखेंगे तो ये जो अभी भी लकड़ी का ही है लेकिन उसी गेट को जो अभी फिर से कलर किया गया है और अब काफ़ी अच्छा लुक दिया गया है देखने में भी। और यहाँ पर सामने आप देखेंगे, सामने जो देख सकते 18 जो लगा हुआ है यानी विराट कोहली की जो कंपनी है उसका यहाँ पे आपको बोर्ड मिल जाएगा। ये भी जो है वो किशोर कुमार का ही है। और ये आप अंदर देख सकते हैं, अंदर पूरा जो है अंदर बंगला है किशोर कुमार जी का बंगला है। मैं आपको अंदर दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं पुराना वाला जो बंगला है वो किशोर कुमार जी का ही है। दोस्तों, किशोर कुमार का जन्म 4 अगस्त 1929 को मध्य प्रदेश के खंडवा शहर में वहाँ के जाने माने वकील श्री कुंजी लाल के यहाँ हुआ था। किशोर कुमार जी का असली नाम आभास कुमार गांगुली था। किशोर कुमार 4 भाई बहनों में चौथे नंबर पर थे। दोस्तों, किशोर कुमार की शुरुआत एक अभिनेता के रूप में फिल्म शिकारी से हुई थी। इस फिल्म में उनके बड़े भाई अशोक कुमार ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। उन्हें पहली बार गाने का मौका मिला 1948 में बनी फिल्म जिद्दी में, जिसमें उन्होंने देवानंद के लिए गाना गाया था। यह भी मज़ेदार की बात है कि किशोर कुमार की शुरुआती की कई फिल्मों में मोहम्मद रफ़ी ने किशोर कुमार के लिए अपनी आवाज़ दी थी। मोहम्मद रफ़ी ने फिल्म रागिनी तथा शरारत में किशोर कुमार को अपनी आवाज़ दी। दोस्तों, जानकारी के लिए आप सबको बता दूं कि किशोर कुमार ने 4 विवाह किए हुए थे। किशोर कुमार की पहली पत्नी बंगाली गायिका और अभिनेत्री रोमा घोष थी। यह विवाह संबंध 1950 से 1958 तक चला। किशोर दा ने दूसरा विवाह अभिनेत्री मधुबाला से किया था, जिन्होंने उनके घरेलू फिल्म चलती का नाम गारी और झमुओं सहित कई फिल्मों में उनके साथ काम किया था। जब किशोर कुमार ने उनके सामने शादी का प्रस्ताव रखा तो उस टाइम मधुबाला बीमार थी और इलाज के लिए लंदन जाने की तैयारी में थी। और उधर किशोर कुमार अभी भी रूमा से विवाह बंधन में बने हुए थे। तलाक के बाद इस जोड़ी ने 1960 में सिविल विवाह किया और किशोर कुमार इस्लाम में परिवर्तित हो गए और कथित तौर पर उन्होंने अपना नाम बदल करके करीम अब्दुल कर लिया था। उनके माता पिता ने विवाह समारोह में भाग लेने से साफ मना कर दिया। माता पिता को खुश करने के लिए इस प्रेमी जोड़ी ने हिंदू विवाह पद्धति से भी विवाह किया, लेकिन मधुबाला को कभी भी किशोर कुमार के परिवार वालों ने अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं किया। विवाह के एक महीने के भीतर मधुबाला अपने पति किशोर कुमार के घर में तनाव की वजह से बांद्रा में अपने बंगले में वापस चली गई, किंतु वो विवाह में बने रहे। लेकिन मधुबाला के जीवन का बाकी का हिस्सा तनाव से भरा रहा। यह संबंध 23 फरवरी 1969 को मधुबाला के मृत्यु के साथ ही समाप्त हुआ। दोस्तों, किशोर दा ने तीसरा विवाह योगिता बाली से किया, जो 1976 से 4 अगस्त 1978 तक चला। किशोर कुमार का चौथा और अंतिम विवाह 1980 में लीना चंदावरकर के साथ हुआ। किशोर कुमार के दो बेटे हैं,
अमित कुमार रोमा के साथ और सुमित कुमार लीना जी के साथ। दोस्तों उन्होंने सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक के लिए 8 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते हैं और उस श्रेणी में सबसे ज़्यादा फिल्म पुरस्कार पाने का रिकॉर्ड भी बनाया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और मुंबई में आप कौन से सेलिब्रिटी का घर देखना चाहते हैं कमेंट करके आप जरूर बताइए। मैं कोशिश करूँगा वीडियो कवर करके अपलोड करने का। तो दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।